हेलो एवरीवन, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रैवल एनीवेज में। तो दोस्तों, इस संडे हॉलीडे पर हमारी पूरी फैमिली पिकनिक मनाने गए थे, क्योंकि अब बिल्कुल परफेक्ट मौसम हो चुका है पिकनिक के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। हम लोग सुबह 10:30 बजे घर से निकल चुके थे और हमारे घर से डेस्टिनेशन की दूरी 164 किलोमीटर पे थी और हमें वहाँ पहुँचने के लिए 4 घंटे लग गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जा रहे हैं तुरतुरिया धाम, जो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में पड़ता है। रूट धमतरी से तुरतुरिया का, पर हम लोगों ने ये ग्रे वाली लाइन वाली जो रूट है वही लिया था। मतलब हम लोग पलारी लवन वटगन से होते हुए तुरतुरिया पहुंचे थे, लेकिन आप कोई भी रूट ले लीजिए, तुरतुरिया से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहले की रोड आपको खराब ही मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी खराब रोड है। मतलब हम बस तुरतुरिया धाम के करीब ही पहुँच चुके थे और ये बहुत ही धूल और पथरीली रोड थी, काफ़ी ज़्यादा खराब रोड थी। तुरतुरिया धाम रायपुर से लगभग 84 किलोमीटर पे है और बलौदा बाजार से 29 किलोमीटर और सिरपुर से 13 किलोमीटर पे। तुरतुरिया धाम अगर आपको आना है तो जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाइएगा, क्योंकि तुरतुरिया धाम बहुत बड़ा है और आपको अच्छे से घूमने के लिए भरपूर टाइम देना होगा। 4 घंटों के लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए और यहाँ बहुत भीड़ थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पिकनिक भी बना रहे थे, क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया था जब हम लोग पहुँचे, तो शायद 2:30 बज चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल बस भी थी। इसी रास्ते में आगे बारनवा पारा अभयारण्य भी स्थित है। जैसे ही हम लोग यहाँ से चलते जा रहे थे तो हमारे लेफ्ट साइड में ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पड़ा था, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले यहीं ही दर्शन करके जाते हैं। तुरतुरिया के मेन मंदिर की ओर जाते वक्त पहले महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पड़ता है। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था, महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया लव कुश के जन्म स्थली। इस स्थान का नाम तुरतुरिया पड़ने का कारण है कि बलभद्री नाले का जल प्रवाह चट्टानों के मध्य से होकर निकलता है, उसमें से उठने वाले बुलबुलों के कारण तुरतुर की आवाज आती है, जिसके कारण इस स्थान का नाम तुरतुरिया पड़ा।
धर्मशास्त्र के अनुसार महर्षि वाल्मीकि के अनेक आश्रम हैं, किंतु उनमें से चार ही प्रमुख है। पहला चित्रकूट, दूसरा तुरतुरिया, तीसरा सीतामढ़ी और चौथा है बिटूर, जो कानपुर के पास है। लेकिन इस आश्रम को लव कुश का जन्म स्थल माना गया है। ये शनिदेव की मूर्ति थी। और इस साइड पे एक प्राचीन शिवलिंग था। और यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि की भी मूर्ति थी। जैसा कि ये जगह लवकुश के जन्म स्थल है, तो श्री राम से भी संबंधित हुआ, इस वजह से यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति थी। मंदिर के द्वार के दोनों तरफ प्राचीन काल के स्तंभ थे। और यहाँ पे माता सीता और लवकुश की मूर्ति है। और यहाँ पे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति थी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अचर बिहारी, होई है वही जो राम रचिरा, बढ़ावे साखा, धीरज धर्म मतिर अरुणारी आपद काल।
खुदाई के दौरान इस स्थान से काफी संख्या में शिवलिंग पाए गए हैं। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों की लिपि से अनुमान लगाया गया है कि प्राप्त प्रतिमाएं 8वीं से 9वीं शताब्दी की हैं। ये है वो प्राचीन कुंड जिस स्थान से पानी गिरता है वहां पे गाय का मुख बना दिया गया है जिसके कारण जल इसके मुख से गिरता है। और गौमुख के दोनों ओर प्राचीन प्रतिमाएं हैं जो कि विष्णु जी की है। इनमें से एक प्रतिमा खड़ी स्थिति में है और दूसरी प्रतिमा विष्णु जी को शेषनाग पर बैठे हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग गए थे वाल्मीकि आश्रम। अब वाल्मीकि आश्रम देखने के बाद हम जा रहे हैं तुरतुरिया का मेन मंदिर। यहाँ से एक से डेढ़ किलोमीटर दूर है वाल्मीकि आश्रम से, तो हम लोग रास्ते पे हैं। अभी देखते हैं कि आगे वाल्मीकि आश्रम के बाद तुरतुरिया का मेन मंदिर कितना दूर है और कहाँ है। चल रहे हैं अपन रास्ते में, बने रहिए वीडियो में। नहीं पैर स्लिप होगा। तो रास्ते में तुरतुरिया मंदिर जाने के मार्ग में ये पानी पानी और नदी है, छोटे छोटे मछली भी तैर रहे हैं बढ़िया और सुंदर ऐसा नदी पार कर जाना पड़ रहा है। अभी नदी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, पत्थर है छोटा छोटा तो देख के क्रॉस करना पड़ रहा है क्योंकि पत्थर में पैर फिसलने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, सभी लोग क्रॉस कर रहे हैं, सबसे आगे पापा हैं, पापा सबसे पहले क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग हैं पीछे, भाई हैं, मम्मी हैं, सब क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे। मम्मी भी धीरे धीरे कर रही है भाई के साथ। चलो साइड हो जाते हैं, जाने देते हैं उसको, जाने देते हैं उसको, उसके हाथ से अपन जाएंगे। नदी वाला रास्ता अब खत्म हो गया, अब शुरू है थोड़ा पहाड़ जैसा पथरीला सा रास्ता। नदी रास्ता खत्म करने के बाद अब हम लोग पथरीला वाले रास्ते में अब आ गए हैं। अब धीरे धीरे चल रहे हैं। वाल्मीकि आश्रम से 1 से 1.5 किलोमीटर था तो आधा रास्ता तो पार हुआ है। अभी नदी वगैरह करके अब पहाड़ी रास्ते में चल के देखते हैं। लोग बढ़िया पिकनिक मना रहे हैं अलग अलग जगह में, बहुत अच्छा स्पॉट है पिकनिक का। लोग यहीं पर खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ लोग घर से बना के लाए हैं, हम लोग जैसे घर से बना के लाए हैं, कुछ लोग यहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आगे का वीडियो जिसमें तुरतुरिया धाम का मेन मंदिर होगा वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, तो इसके सेकंड पार्ट को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।